आप जैसे जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो अपने देखा भी कल्चर प्रोग्राम इसका इनका किया था, इसके दो मोटिव थे। एक मोटिव ये था कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है गांधरबल, ये बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती की झलकियाँ आप मीडिया के थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं उनसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत है। आप आइए, यहाँ का सैर कीजिए और यहाँ के जो सेहत अफजा मकाम है, जैसे हमारा सोनामर्ग है, मानसबल है, मोहन मर्ग है, हमारा गंगबल है, सूर आई और तो बनाइए, बहुत अच्छी जगह देखने के काबिल है। इसके अलावा जो दूसरा आपको पता है कि अभी 6-7 महीने से हम कोविड के सिलसिले चल रहे हैं और कोविड ट्रोमा से निकलने के लिए ये प्रोग्राम ज़रूरी है और हमने सोचा कि ये प्रोग्राम करें ताकि कोविड का जो ट्रोमा हमारे जो यहाँ पे आम लोगों में, बहनों भाइयों में वो दिमाग में घुसा हुआ है वो निकले। और क्योंकि आपको पता अभी वैक्सीन तो इसकी कोविड की आई नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसके साथ हमें रहने से साथ चलना है और ये हमने कोशिश की इस ट्रोमा से निकल के कोविड SOPs का पालन करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के जो आम रोज़मर्रा के काम हैं वो निपटाएँ। इसीलिए ये वैसे हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मैसेज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को देनी थी, कोविड के साथ चल के हम अपने बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी वो भी साइड बाई साइड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की तरफ से एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, दरिया सिंध के किनारे वाका जो डंपिंग साइट है, हालांकि कुछ अरसा पहले अगर आप यहां पे आते थे ये देखते एक डंपिंग साइट थी, यहां पे पूरे गांधरबल ज़िले का जो कूड़ा क्रिकेट निकलता था वो इस जगह पे डंप किया जाता था, लेकिन जिस लोगों की काविशों की वजह से, इंजीनियर साहिबान की मेहनत और अच्छे ख्यालात की वजह से इस डंपिंग साइट को एक पार्क में तब्दील किया गया, जिसकी वजह से इस पार्क का नाम डंपिंग साइट पार्क रखा गया और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल हमारे DC साहब की काविशों की वजह से एक कल्चरल प्रोग्राम इनाकद किया गया ताकि लोगों को यहाँ की तरफ रागिब किया जाए, खासकर टूरिस्ट को। आफ्टर कोविड आपने देखा कि मार्च से लेकर लगभग सितंबर के महीने तक लोग घरों में सहम कर रहे थे क्योंकि वबाई बीमारी का ऐसा खौफनाक मंजर पेश हो रहा था, लोग घरों से निकलने के लिए कासिर थे, लेकिन एक मौका दिया गया अंडर प्रोटोकॉल SOPs को लागू करके यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम मुनाकद किया गया ताकि लोग महसूस हो जाए। अभी आप देखें कितने सारे लोग आए हैं, काविश यही है कि बाहर के टूरिस्ट के साथ साथ लोकली जो लोग डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट बाणीपोरा के लोग भी यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आते हैं, महसूस हो जाते हैं। यहाँ का लोकेशन इतनी खूबसूरत है, पूछे मत, एक दिलफरेब मंजर है, एक खुशनुमा माहौल, इतनी बेहतरीन हवाएं चल रही हैं, मुझे भी खुद, मैं पहली बार आया हूँ, बहुत महसूस हो रहा हूँ और काविशें यही जारी रहेगी और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल कई ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करेगी ताकि लोग यहाँ पर आए और